पहले तो भैया ये बताइए कि मेहंदी की सेरेमनी में या मेहंदी के फंक्शन में ट्रुथ और डेयर का गेम कौन खेलता है भैया? ये तो गेम ऐसा है जो नॉर्मल और बहुत ही शांत सिचुएशन में लोगों को उकसा दे, और मेहंदी वाला फंक्शन यानी शादी वाला घर, वहां पे तो इमोशंस आर एनीवेज ऑन अ डिफरेंट लेवल। हुआ ये है कि काव्या की मेहंदी में ट्रुथ और डेयर का गेम हुआ और राजवीर और शौर्य हमेशा की तरह एक दूसरे से भिड़ गए। एक कुंडली भाग्य के आज वाले सीन में एक कुछ मजा है। यूं तो काव्या की मेहंदी हम कितने दिनों से देख रही हैं, लेकिन मेहंदी का असली वाला सीन आज हो रहा है, जहां पर पूरा परिवार बैठा हुआ है और आज ये सब मिलके ट्रुथ और डेयर वाला खेल खेलने वाले हैं। परिवार में एक दूसरे के बारे में कौन क्या सोचता है, किसके दिल में कितने राज छुपे हुए हैं, ये सब कुछ लगता है आज इस खेल के जरिए सामने आ जाएगा। राजवीर और शौर्य जो हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, इस खेल की शुरुआत उन्हीं से हुई और देखिए कैसे दोनों लड़ पड़े ट्रुथ और डेयर को लेकर। अभी हर फंक्शन में लोग सीरियस तो हो ही जाते हैं, मेरे भाई दोनों जब देखो पंजा लड़ाने शुरू हो जाओ, रोके के टाइम पे उन्होंने यही किया था, पंजा लड़ाएंगे। बट एनीवेज फन है, सब मस्ती कर रहे हैं तो मस्ती में तो ये सब चलता ही है। अब दोनों भाई आपस में और भी ज्यादा उलझने ही वाले थे कि करण ने मामला संभाल लिया और कहा कि दो भाइयों की तरह रहो, भाइयों में तो ऐसा चलता ही रहता है, तुम दोनों अपने बारे में उतना सब नहीं जानते हो जितना मैं जानता हूँ। अब प्रीता को ये बात खनकी कि आखिर ऐसा क्या जानता है करण इन दोनों के बारे में, तो वहीं अब करण की बारी आई तो करण ने देखिए कौन सा वाला गाना चुना। अब इस गाने के जरिए वो प्रीता से कहना चाह रहा है कि बहुत हो गया, अब घर आ जाओ। अब इस गाने के जरिए वो प्रीता से ये कह रहा है कि बहुत हो गया, अब घर लौट आओ। अब परिवार वाले बहुत खुश हैं, वहीं दूसरी ओर वरुण ने अपनी पहली पत्नी को किडनैप कर लिया है। हाँ एक्चुअली तो मुद्दा यही था कि मुझे उनको सबके सामने आने से रोकना था और वो रुक नहीं रही हैं, तो वरुण बिंग वरुण सो साम दाम दंड भेद। अब काव्या को नहीं पता है कि वरुण पहले से ही शादीशुदा है। मुझे भी सुनने में तो आया है, रूमर्स हैं कि जो हमारे होने वाले पति हैं वो ऑलरेडी किसी के हो चुके पति हैं तो मुझे भी सुन के थोड़ा धक्का तो लगा है, लेकिन देखते हैं किस तरीके से कहानी प्रोग्रेस करती है और क्यों उन्होंने ऐसा हमारी फैमिली के साथ किया, क्या रीज़न निकल के आते हैं वो तो मुझे भी नहीं पता अभी। प्रीता को शक तो हुआ था, उसने कोशिश भी की लेकिन कामयाब नहीं हो पाई। अब यहाँ पर बात उसकी बेटी की है तो ये प्रीता जासूसी फिर से करेगी, फिर क्या फर्क पड़ता है उसकी याददाश्त हो या ना हो, काम तो उसे हमेशा वही वाला करना है, जासूसी वाला। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ABP News, आपको रखे आगे।